काल जी कैसे हो सारे। आज हम करने लगे महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ जो वॉश करके अंदर लाए, इतने सारे सोयल मार्क्स हैं, इतनी गाड़ी की कंडीशन खराब है। अभी जब ये हो जाएगी गाड़ी तब आपको मैं दिखाऊंगा, आप बताना आपको गाड़ी कैसी लगी। अब आपको कार दिखाऊंगा। इस हालत में आई है मेरे पास, ये सारे गलत कपड़ा लगता था इसके ऊपर, जो हम कह सकते धोती वगैरह यूज करते थे, उसने पूरी गाड़ी पर स्क्रैच कर दिया है। मिट्टी से भरी हुई थी, ग्लासेस भी बिल्कुल खराब है गाड़ी के, हेडलाइट वगैरह में भी कोई चमक वगैरह नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा रफनेस है। ये रिबन लगा हुआ था इधर, उसका स्क्रैच है। एक ऐसे ये लाइन आई हुई है गाड़ी के ऊपर, अच्छे आपको दिख रहे होंगे गाड़ी का कैसे हो रहा है, वो है ब्लड है गाड़ी। जो कपड़ा लगाने वाले इन्होंने कहीं से रबिंग वगैरह कराई है, उसने गाड़ी खराब कर दी है। अब मैंने आपको दिखाई ये गाड़ी, अब गाड़ी होने के बाद दिखाऊंगा, आप खुद बताना आपको कैसी लगी गाड़ी। और प्लीज कमेंट करना, अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी तो उसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जो गाड़ी आप देख रहे थे काम होते हुए, अब आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ कैसे लग रही है, जरूर बताएं। जबरदस्त फिनिश आ गया, जो गाड़ी में स्क्रैचेस थे, सोयल मार्क्स थे, सब के सब। लाइट देखें क्या जबरदस्त फिनिश आ रही है गाड़ी के अंदर, पूरा का पूरा मिरर इफेक्ट आ गया गाड़ी के अंदर। देखें गाड़ी का डोर है, कैसी लग रही है जरूर बताएं। मैंने आपको कुछ यहाँ पे स्क्रैच दिखाए थे जो कि बिल्कुल जड़ से गायब हो चुके। ये वाला पार्ट दिखाया था जो बिल्कुल ब्लर था गाड़ी के अंदर, यहाँ पे किसी ने रबिंग कर दी थी, उसने खराब किया हुआ था पार्ट एकदम। स्क्रैचेस जो अब नहीं दिख रहे हैं, गाड़ी क्या सुपर स्मूथ सरफेस हो चुका है, पूरी गाड़ी के अंदर मिरर इफेक्ट है। अब मैं आपको गाड़ी का इंटरनल व्यू दिखा रहा हूँ, आप खुद जज करना, आप बताना आपको कैसी लगी। हाँ जी, जो आपको मैं दिखा था स्कॉर्पियो काम होने से पहले, देखो जबरदस्त फिनिश आ चुकी है, कैसा लगा काम जरूर बताएं। यहाँ पे आपको स्क्रैचेस वगैरह दिखाए थे सब गायब हो, ये देखें यहाँ पे आपको जो स्क्रैच था सारे गायब, यहाँ पे रिबन के स्क्रैचेस थे। इस गाड़ी के ऊपर हुआ क्या था, किसी ने मार दिया था कपड़ा गंदा और रबिंग कराई थी, उसने बिल्कुल स्क्रैच डाल दिए थे। पूरी गाड़ी में मिरर फिनिश आ चुका है, पूरी मिट्टी वगैरह का आप देख सकते हो जो स्क्रैच आए थे मिट्टी से, सोयल मार्क्स से एकदम जीरो हो चुके हैं। फिर इफेक्ट आ चुका गाड़ी के अंदर, जो आप मिट्टी वगैरह से स्क्रैच आते, सोयल मार्क्स से जो थे निशान वगैरह सब निकल चुके हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था स्क्रैच वगैरह लगा हुआ था, सारे का सारा गायब हो चुका है। यहाँ पे किसी ने एक लाइन मारी थी, इधर एक लाइन थी आपको दिखाया था पीछे वाले फेंडर पे, एकदम गायब हो चुका। का रिव्यू दिलाऊं, कस्टमर आपको खुद बताएंगे उनको कैसा लगा काम। अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लग रही है तो उसको जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे तीनों भाई स्पेशल करनाल से आए हैं, गाड़ी का नंबर जरूर हरियाणा फरीदाबाद, लेकिन सर स्पेशल आए हैं। सर क्या बताना चाहोगे करनाल से आप स्पेशल आयो कराने? राहुल सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा सर, हमने ना फेसबुक पे देखे थे आपकी ये एड वगैरह जो आप गाड़ियां की आपने, रिव्यू वगैरह डाले कस्टमर के, वो देख के आए थे। काफी सारे दिनों से देख रहे थे, कम से कम 2 साल से वीडियो देख रहे हैं आपकी रेगुलर। हाँ। आने का प्रोग्राम नहीं बन रहा था तो प्रोग्राम बनाया आप आने का। गाड़ी बहुत गंदी हो रखी थी, डोंग के निशान थे, जैसे रिबन डाल लगा रखा था काफी दिनों बाद, हटाया रिबन भी, उसके भी निशान चले गए हैं। और कई बार मैं जो रबिंग कराई थी और कपड़ा लगा था उससे बल्कि ज्यादा खराब हो गई थी, ज्यादा ही खराब थी। जैसा काम देख रहे थे वैसा हुआ कि नहीं हुआ? एक छोटा सा मैसेज मेरे करनाल के भाई जो देख रहे हैं, मेरे पास काफी करनाल से लोग आते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? यही कहेंगे सर आओ देखो, आओ गाड़ी पे इतने पैसे लगाते हैं, थोड़ा कुछ नहीं है, हल्का सा बल्कि मेंटेनेंस करनी पड़ती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया मजा आ जाता है गाड़ी रखने में और चलाने में। हाँ जी सर, हमने आपको जैसे बताया गाड़ी की स्मूथनेस वगैरह कैसी, कितनी सॉफ्ट हो गई, अगर वीडियो में तो मक्खन मक्खन बिल्कुल मक्खन। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आपने मेरे भाई जो करनाल चाहे उनका एक रिव्यू देखा, अगर आपको अच्छा लग रहा है करनाल वाले हरियाणा वाले मेरे भाई, इसको शेयर कर दो, इतना शेयर करो ताकि सब तक मेरा मैसेज पहुंच सके और सबको हमारे बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।